तो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 4 मैथ्स चैप्टर 1 कर रहे थे। चैप्टर 1 में हमने एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.5 तक कंप्लीट कर लिया था, और एक्सरसाइज 1.6 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे के क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा क्या है। तो देखो, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, है ना। तो ये जो भी नंबर लिखे हुए हैं इनको हमें किसके अकॉर्डिंग लिखने हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखने हैं, है ना। ये वाले जो नंबर लिखे हुए हैं इनको हमें इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग ये नंबर लिखने हैं, और कॉमा भी हमें इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग ही इंसर्ट करने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में अगर कोई नंबर लिखा हुआ रहता है तो पहले पीछे से 3 नंबर के बाद कॉमा आता है, फिर दो दो के गैप में आता है। और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है कि हमेशा 3-3 के गैप में कॉमास आते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। तो याद रखना, पहले पीछे से 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर दो दो के बाद कॉमा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए वाले पार्ट का आंसर, ठीक है। ए वाले मैं यहीं पे लिख रहा हूं इनके आंसर्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आंसर में कुछ भी नहीं करना है, आपको आंसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, ये नंबर पूरा, देखो आप कॉमा नहीं लगाना, सबसे पहले कॉमा नहीं लगाना, ठीक है, विदाउट कॉमा ये नंबर लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे कि पीछे से पहले 3 नंबर के बाद कॉमा लगाओगे, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा लगाना था लेकिन इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इस वजह से हम कोई कॉमा नहीं लगाएंगे। ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये तो एज इट इज हमने लिख दिया क्योंकि ये उसी के अकॉर्डिंग लिखा ही हुआ है ऑलरेडी नंबर। इसका जो बी वाले का आंसर होगा, पहले हम क्या करेंगे, ये नंबर नॉर्मल लिखेंगे विदाउट कॉमास, ठीक है। तो देखो, पहले तो पीछे से 3 नंबर के बाद कॉमा आता है क्योंकि हमें इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाना है। तो पहले पीछे से 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर क्या आएगा, 2 नंबर के बाद। तो इसके बाद जो 2 नंबर है वो है हमारे ये, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉमा दूसरा, ठीक है, इन 2 जीरो के बाद। तो ये होगा हमारा बी वाले पार्ट का आंसर। अब सी वाला देखोगे तो सी में क्या है, पहले तो हम विदाउट कॉमा पूरा नंबर लिख देंगे। ये सारे हमारे आंसर्स हैं, तो आप आंसर बड़ी अच्छे तरीके से लिखना, ए वाले पार्ट का आंसर, फिर ये बी वाले पार्ट का आंसर, ये सी वाले पार्ट का आंसर, ठीक है। अब डी वाला जो है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम नॉर्मल क्या करेंगे, ये वाला नंबर लिख देंगे 657260, ये लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमास लगाएंगे, तो पहले पीछे से 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा, तो ये लगा दिया मैंने। तो इस तरीके से इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हो गया हमारा ये आंसर, ठीक है। तो ये बस इतना करना था हमें क्वेश्चन नंबर 4 में, बहुत इजी था, बस आपको पता होना चाहिए था कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कितने कितने नंबर के बाद हम कॉमास लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम फिफ्थ वाला भी करते हैं, तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं, जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है उसका जो हमने फोर्थ में किया। राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब ये वाले जो नंबर है सेम है, बस इसमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, कॉमास लगाने। तो इसका भी आंसर मैं यहीं पे लिखूंगा, देखो आंसर लिखा मैंने, ए वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। देखो, पहले तो हम विदाउट क्या करेंगे, विदाउट कॉमा नंबर लिखेंगे, तो 84439। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में कॉमास कैसे आते हैं, हर 3 नंबर के गैप के बाद, 3-3 नंबर्स के गैप के बाद हमारे क्या आते हैं, कॉमास आते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में। तो यहाँ पे देखो, पहले तो पीछे से 3 नंबर के गैप के बाद कॉमा, फिर 3 नंबर के गैप के बाद कॉमा आना था लेकिन आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम कोई कॉमा फिर इसके बाद नहीं लगाएंगे। तो ए वाले का हो गया आंसर। अब हम बी वाले का करेंगे, पहले तो एज अ नॉर्मल लिख दो ये नंबर 124609, ये लिख दिया हमने नंबर। अब 3-3 नंबर के गैप के बाद कॉमा लगा दो, तो पहला 3 के बाद ये 609 है ना, तो इसके बाद हम कॉमा लगा देंगे, तो यहाँ पे एक आ गया हमारा ये कॉमा, फिर 3 के बाद गैप, यहाँ पे हमें कॉमा लगाना था लेकिन यहाँ पे उसके आगे कोई नंबर है नहीं तो हम नहीं लगाएंगे, तो इतना ही छोड़ देंगे उसके लिए। तो ये बी का हो गया। अब सी वाला करेंगे, तो सी वाला विदाउट कॉमा पहले पूरा नंबर लिख दो, तो ये लिख दिया हमने, है ना। अब पीछे से पहले 3 के बाद कॉमा, फिर से 3 के बाद लगाना था लेकिन फिर कोई और नंबर है नहीं तो हम नहीं लगाएंगे, तो ये सी का आंसर हो गया।
अब डी वाला देखते हैं, डी वाले में देखो हम पहले एज अ नॉर्मल लिख देंगे नंबर 304012, ये आंसर्स हैं, ठीक है। पहले पीछे से तीन नंबर की बात को मान, तो हमने ये लगा दिया, फिर इसके बाद तीन नंबर की बात लगाना था लेकिन उसके आगे कोई वैल्यू है नहीं तो हम नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे फिफ्थ के पूरे पार्ट हो गए कंप्लीट, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी 1.6 एक्सरसाइज का हुआ क्या कंप्लीट। अब जो इसके बाद सिक्स पार्ट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो, कुछ आपको हेल्प हुई हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल, लाइक जरूर करना, ठीक है, वीडियोस को। और क्या आपको डाउट है वो भी बताना कमेंट सेक्शन में, तो वो हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।